नमस्कार बाबा, राष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। कुमार धुबी नीट कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र लगातार सिलसिले बार 24 वर्षों से कुमार धुबी के और कुमार धुबी के आसपास के रहने वाले युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण के साथ रोजगार मुहैया करा रहा है। 24 वर्षों से नीट कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का संचालन श्री पांडे सर करते आ रहे हैं। आइए अब उनसे उनके अनुभव के बारे में जानते हैं। शुरुआत के क्षण में तो लगा कि लोगों को लगा कि यह संस्था इतने ब्रांड को चलाना बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन धीरे धीरे अग्रसर हुआ। यहाँ लोगों का सपोर्ट मिलता गया, बच्चों को मैंने बढ़िया से तालीम देने की कोशिश की, बहुत बच्चों को रोजगार देने की दिया भी मैंने, बहुतों को अच्छे अच्छे फॉर्म में भी हैं, अच्छे स्टूडेंट का सपोर्ट है। आशा करते कि आगे भी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कोविड के बाद जो बच्चे का जो ऑनलाइन का जो पढ़ाई हुई है उसमें थोड़ा किंतु परंतु हो गई है, जिसके वजह से बच्चों का परफॉर्मेंस और स्किल्स में बहुत दुविधाएं होती है। आशा करते उस दुविधा को कंप्लीट अच्छे तरह से करने के लिए उसको हम लोग आगे चल के और इसको बढ़िया से पढ़ाई कराएंगे। हमारे फैकल्टी लगे हुए हैं, हम जितने भी फैकल्टी हैं अपने जितने भी एक्सपीरियंस रहता है उसको सारा इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि बच्चों को और बढ़िया से फैकल्टी उसको बढ़िया से पढ़ाए। कितने दिनों से प्रशिक्षण पा रही हैं? करीब एक महीना। एक महीने में क्या? वर्ड, एमएस वर्ड और सारे बेसिक्स और थोड़ा बहुत एक्सेल। जो सीखी है वो संतुष्ट है? हाँ बिल्कुल। आपके शिक्षक कैसे हैं? बहुत ही अच्छे हैं और वो बहुत ही फ्रेंडली तरीके से समझाते हैं और कोई भी दुविधा नहीं होती उनसे कुछ भी पूछने के लिए। क्या नाम है? सुप्रिया मंडल। और बढ़िया स्किल दे, इसके लिए मैंने स्पोकन इंग्लिश का अलग से व्यवस्था करके रखी हुई है। इसके बाद हम बीच बीच में हम लोग टेस्ट लेते रहते हैं, क्लास टेस्ट होती रहती है, हमारा ऑनलाइन का भी सारा प्रावधान है। जो आधुनिक तौर तरीकाएँ होती हैं इस जगह में हम सारी देने की कोशिशें करती रहते हैं और आशा करते इससे और बेहतर करेंगे। ऐसा नहीं हो कि यहाँ के बच्चे का कंपेयर कई बड़े मेट्रो सिटीज के साथ नहीं करें, ऐसा बात नहीं। हमारे बच्चे बैंगलोर में भी हैं, हमारे कुछ बच्चे फॉरेन में भी काम करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सऊदी में भी काम करते हैं हमारे इससे, और वो सऊदी में जाने के बाद फिर बाहर से आने के बाद हमारे यहाँ फिर कुछ एडवांस एक्सेल वगैरह कोर्स करके फिर दोबारा जाते हैं। तो ये मेरी अपनी चर्चा और मैंने ये सारा चीज़ मैंने अपने फादर से सीखा था और आगे भी करते रहे। अभी के युग में अनुसार स्किल्स बढ़ाना चाहिए, खाली बुकिस नॉलेज लेने नहीं होगा, खाली आपने किताबी नॉलेज लेने नहीं चलेगी, आपको आगे चलकर अपने सारे चीज़ की जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स है, स्किल्स है, उसको आपको लाना पड़ेगा। प्लस आपको कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि इस एरिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन स्किल्स का। हम कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम खाली इंग्लिश में ही बात करें, इवन आपको हिंदी में भी आवेदन होना पत्र लिखने की आवश्यकताएं होने से लिखना चाहिए और एप्लीकेशन भी लिखने का होगा वो भी बढ़िया से लिखना चाहिए और ग्रामेटिकल एक्सपोजर भी होना चाहिए। तो धीरे धीरे कम्युनिकेशन डेवलप हो जाएगा, साथ में टेक्निकल्स के लिए भी आपको अलग से कर सकते हैं। मैं समित कुमार पांडे, मैं पहले एज ए जॉब करता था, मेरे दूर दूर तक कोई बिजनेस का रिलेशन नहीं है, मेरे फोर पार्लर तक रिलेशन नहीं है। माई फादर वॉज ए प्रिंसिपल इन वोकेशनल सिटी एंड ही वॉज रिटायर्ड एज असिस्टेंट जनरल मैनेजर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट इन 2001। उनके तालीम से मैंने बहुत कुछ सीखा, टाइम मैनेजमेंट, एजुकेशन मैनेजमेंट, बच्चों को पढ़ाई। साथ में मैं जॉब जब करता था तो मुझे हमेशा ललक रहता था कि जेनेटिक है मेरा पढ़ाने का, तो हमने इसको ओपन किया सेंटर को। इसके पहले मैं लावपला ग्लास इंडस्ट्री में था, इसके पहले मैं ऑडिटर टीम में था, आसाम गवर्नमेंट में मैं काम करता था। वहाँ करीब 2 साल मैंने आसाम गवर्नमेंट का जॉब छोड़ दिया ड्यू टू द डिस्टर्बेंस, उस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी 1995 में। उसके बाद मैंने लावपला ग्लास इंडस्ट्री में करीब 6 साल काम किया, प्राग बोसनिक सिंथेटिक्स में काम किया, एलक्यू पॉलिस्टर्स में मैंने काम किया, सभी जगह मैंने यूडीपी और टेक्निकल हेड्स के रूप में काम किया। उसके सारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे उसको एजुकेशन के रूप में मैंने अपने यहाँ पर देने की कोशिश की। इसमें यहाँ के बच्चों को एक फ़ायदा होता है, किताबी की नॉलेज भी मिलता है प्लस टेक्निकल हैंड्स जो इंडस्ट्री में चाहिए, जो बाहर की दुनिया में चाहिए, वो मैं देने की कोशिश करता हूँ। यही मेरी परिचय है। आगे चल के हम सोचते हैं कि इस परिचय को और बढ़ाएं
और सुदृढ़ बनाए और यहाँ के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम दे। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।